नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबेडकर सर्किट के बारे में, जिसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू कर रही है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर। अंबेडकर सर्किट में दरअसल एसी ट्रेन्स को शुरू किया जाएगा बीआर अंबेडकर से जुड़ी जितनी भी जगहें हैं वहां पे, जैसे कि उनकी जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अंबेडकर सर्किट है क्या और स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है और इसके क्या एम है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्पेशल एसी ट्रेन्स की शुरुआत करेंगे अंबेडकर सर्किट जो प्रपोज किया गया है अभी उसको प्रमोट करने में, और जो पूरी की पूरी प्लेसेस हैं इंडिया में एसोसिएटेड विद बीआर अंबेडकर, एसोसिएटेड मतलब जुड़ी हुई, तो बीआर अंबेडकर जी के जीवन के साथ जो जगहें जुड़ी हुई हैं उन सारों के लिए हम स्पेशल एसी ट्रेन जो है उनकी शुरुआत करेंगे, जिसको हम कहते हैं अंबेडकर सर्किट। बीआर अंबेडकर जी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इनसे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर किया है। वो वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जितने भी बीआर अंबेडकर के ऊपर पूछे जा सकते हैं मैंने उसमें उसको कवर किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हाल ही में यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर ने 3-डे कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स की धर्मशाला में, और वहां पे उन्होंने स्पेशल ट्रेन जो कि कवर करेंगी अंबेडकर सर्किट को उसके बारे में अनाउंस किया। तो आपने ये भी याद रखना है कि 3-डे कॉन्फ्रेंस स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स की कहां पे हुई, धर्मशाला में। अंबेडकर सर्किट जो है इसको सबसे पहले 2016 में प्रपोज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी जो शुरुआत होगी वो होगी मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश जो कि जन्मभूमि मानी जाती है जहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। मैंने उस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, बर्थ डेथ किताबें और सब कुछ आप उसको जरूर देखिएगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो होगी मध्य प्रदेश के माऊ से, जिसे जन्मभूमि कहा जाता है बी आर अम्बेडकर की। उसके बाद वहां से शुरू होगी नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर जो उनकी दीक्षा भूमि है, यानी जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था। फिर वहां से आएगी न्यू दिल्ली जो उनकी महापरिनिर्वाण भूमि है, यानी यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। और फिर आती है हमारे पास मुंबई जो कि चैत्य भूमि है जहाँ पे उनको क्रिमेट किया गया था। तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा अम्बेडकर सर्किट, मध्य प्रदेश के माऊ से जन्मभूमि, फिर नागपुर दीक्षा भूमि, फिर दिल्ली महापरिनिर्वाण भूमि और मुंबई चैत्य भूमि। ये बनता है हमारे पास अंबेडकर सर्किट, जिसके लिए स्पेशल एसी ट्रेन जो है उसकी शुरुआत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब ये जो प्रपोज्ड अंबेडकर सर्किट है ये सिमिलर होगा कैसे, जो रामायण सर्किट और बुद्धि सर्किट है उन जैसा ही होगा हमारा अंबेडकर सर्किट। अब स्पेशल ट्रेन जो है वो आपको जानते हैं कि रामायण, बुद्धिस्ट और नॉर्थ ईस्ट सर्किट जो है उनके लिए अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अंबेडकर सर्किट फोर्थ ऐसा सर्किट होगा, और ऐसा माना जा रहा है कि इस सर्किट से एक वाइडर टूरिस्ट बेस्ड, ना सिर्फ दलित कम्युनिटीज में बल्कि बाकी भी जो बी आर अम्बेडकर जी से जुड़ी सारी की सारी जगहों पर जाना चाहते हैं, उन्हें विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके वजह से एक काफी जो टूरिस्ट है एक वाइडर टूरिज्म बढ़ेगा। ये जो जर्नी होगी यहाँ पर आपको मील्स भी मिलेंगे, खाना भी मिलेगा, अच्छी आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, और इसके साथ साथ जो हिस्टोरिक साइट्स हैं अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई वहाँ पर भी आपको जाने का मौका मिलेगा, इनको देखने का मौका मिलेगा और बी आर अम्बेडकर जी की लाइफ के बारे में अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम जिसको लॉन्च किया था टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 2014-15 में, इसकी एम क्या था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। तो थीम समझ रहे, जैसे कि रामायण, तो रामायण से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जगह हैं वहाँ पे पूरे के पूरे घूमना, तो ये क्या हो गया, थीम बेस्ड। वैसे ही बी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई जितनी भी प्लेसेस हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा थीम बेस्ड। तो थीम बेस्ड टूरिज्म को बढ़ाना और वहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना, ये एक एम था स्वदेश दर्शन स्कीम का, जिसकी शुरुआत किसने करी है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि इस स्कीम की जो शुरुआत है वो किस मिनिस्ट्री ने करी, तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, और कब की थी, 2014-15 में। अब इस स्कीम के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 15 इस प्रकार के जो टूरिस्ट सर्किट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, जैसे रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, फिर डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्णा सर्किट, रूरल सर्किट, ट्राइबल सर्किट, तीर्थांकर सर्किट, है ना, तीर्थांकर रिलेटेड टू जैनिज्म, राइट। तो
तो इस प्रकार के जो हैं वो 15 सेक्टर जो हैं उसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आइडेंटिफाई किया है, जिनमें धीरे धीरे काम चल रहा है। अब ये जो 15 सेक्टर को चुना गया है उसमें मार्च 2022 तक गवर्नमेंट ने उन सब के लिए 76 प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में होगा क्या, कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट यहाँ पे आपको थीम बेस्ड सर्किट जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाएगा, विजिटर्स के लिए फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, रोड और रेल कनेक्टिविटीज जो है वो बनाई जाएंगी ताकि जो टूरिज्म है वहाँ पे उसे बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पे ओवरऑल एम जो है इसका, जैसे मैंने बताया कि टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव करना है ताकि टूरिज्म सेक्टर से फिर जॉब्स को भी प्रमोट किया जा सके, और इंटीग्रेटिंग जो स्कीम्स हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, उनको भी बढ़ाया जा सके। राइट, अब देखो स्वच्छ भारत अभियान के जैसे जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे तो उनको अवेयर किया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई गंद नहीं डालना है ना, डस्टबिन में डालो। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया, अब जैसे नई नई जगहों पर जाएंगे तो वहाँ का कुछ अनोखी कुछ चीज़ होगी जो वहाँ के जो गरीब या मिडिल क्लास है वो उसको बनाते होंगे, है ना, तो फिर वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक मार्केट मिलेगी, तो फिर वहाँ पे मेक इन इंडिया भी जो है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, उसको भी प्रमोट किया जाएगा, स्किल इंडिया जो है उसे भी प्रमोट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 15 सर्किट जो है ये लेके आ रही है, जिसमें से कईयों पर काम चल रहा है, कईयों पर अभी हो भी गया है, तो उससे टूरिज्म प्रमोट होगा, उससे जो है वो इंटीग्रेटेड स्कीम्स जो हैं उनको भी प्रमोशन मिलेगी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, और इसके साथ साथ जो जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होंगी। तो ये था अंबेडकर सर्किट, बी आर अम्बेडकर जिससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट MCQs को मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप उसको देखना चाहें ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था इसका एनालिसिस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही जगह वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।